झरिया के पत्थर बंगला तालाब के पीछे चल रहा था अवैध कोयले का उत्खनन। आपको बता दें, जिसके बाद बोरागढ़ पुलिस को इस बात की सूचना मिलते ही बोरागढ़ ओपी प्रभारी सौरभ चौबे इस बात की सूचना अपने वरीय अधिकारी को देते हुए उस जगह को डोजरिंग करवाया। वहीं इस मामले में ओपी प्रभारी सौरभ चौबे ने बताया कि अभी शुरुआत हुई है, अभी कोयले का स्टॉक नहीं हुआ था, लेकिन उससे पहले गुप्त सूचना से जानकारी मिली, जिसके बाद पहुंचकर उस जगह को हमने डोजर के माध्यम से बंद करा दिया है। वहीं जांच किया जा रहा है, जो भी इस मामले में शामिल है बक्सा नहीं जाएगा। नहीं, स्टॉक नहीं किया जा रहा था एक्चुअली। वहां पे अवैध तरीके से एक खदान बनाया गया था, जिसकी सूचना हम लोग को सूचना मिली थी, जिसकी सूचना वरीय पदाधिकारी को देते हुए वहां पर डोजरिंग करवाया गया और उसको बंद करवाया गया। इससे पूर्व में भी लगातार सर वहाँ पे ऐसी जो है खदान में कोयले की बनाई जाती है, जो साइड से चुन के लाया जाता है ट्रक के द्वारा और वहाँ पे डंपिंग किया जाता है, लेकिन उस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। ऐसी कोई सूचना नहीं, प्रबंधक की ओर से ऐसी कोई सूचना नहीं है, सतत निगरानी रखी जा रही है। इसको हमने अपने स्तर से, हमारी स्तर की सूचना थी, तो इसको हमने वरीय पदाधिकारी को सूचित करते हुए ये आवश्यक कार्रवाई। क्या क्या जानकारी मिल पाई है, वो स्टॉक कौन कर रहे हैं, किसके हैं, नहीं है सर? इसके बारे में कुछ विशेष जानकारी नहीं हुई है हमारे अनुसंधान। हाँ, अभी जांच चल रहा है, जो भी जिस भी इसमें इन्वॉल्व होंगे उन पर कार्रवाई की जाएगी। धन्यवाद।